हेलो। हेलो। वेल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ अगर क्लियर होगी तो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा एंड हम स्टार्ट वेल, करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज अगर क्लियर होगी तो आप प्लीज रिप्लाई कीजिएगा एंड हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा। वेरी गुड। प्रीति, सुधाकर, प्रियंका, हिना, पूर्वा, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम मॉर्निंग में रख रहे हैं और प्रोबेबली आगे जितने भी सेशंस बाकी होंगे हमारा मॉर्निंग में ही रहेगा। यस, कल का सेशन नहीं हो पाया बिकॉज आई एम नॉट वेल। नहीं, मुझे कोरोना नहीं हुआ है नाउ। बस ठीक, ऐसे ही समझ लो कि कुछ पेन था इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर नो प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करेंगे। एंड अभी ये भी कहना मुश्किल हो रहा है कि अगर मैं कहूँ कि भाई वेदर चेंज की वजह से कुछ सर्दी वगैरह ये हो गया तो लोग समझेंगे कोरोना हो गया। सो नहीं बेटा, अभी तक नहीं, पर हाँ अपना पूरा ख्याल रखो, टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स हम भी ले रहे हैं, अपना और अपने फैमिली का पूरा पूरा ध्यान रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम ये टॉपिक पे थे, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। स्टार्ट करने के पहले मैं, अगर कुछ नए स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए होंगे तो मैं ये कह दूं कि ये सेशन रिकॉर्ड होगा और पब्लिश भी होगा, तो और पुराने सेशंस भी रिकॉर्डेड है, वो देख सकते हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट, एज यूजुअल, कोई यहाँ पे अननेसेसरी डाउट्स और क्वेश्चन नहीं। ओके, आप पूरा डिस्कशन जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दोगे। और नेक्स्ट बेटा, चार्ट रिवीजन के बारे में मैं अनाउंसमेंट करूँगा। तो यस, कुछ स्टूडेंट्स चार्ट रिवीजन का वेट कर रहे हैं तो उसके बारे में हम सेशन के एंड में अनाउंस करेंगे। और आज अर्ली सेशन के वजह से जूम मीटिंग का एड्रेस जो मैं देता हूँ डिस्कशन के, तो मेरा स्टाफ जो है अभी तक उसने क्रिएट नहीं किया है, तो हमारे सेशन के एंड में मैं लिंक क्रिएट करके आपको लाइव चैट में एंड में डाल दूंगा। ठीक है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नारायणन, यस, यू सेज दैट आई शुड स्पीक इन कम्प्लीटली इंग्लिश, सो फॉर साउथ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट अगेन दिस डिस्कशन प्रोबेबली। ओके, आई विल पुट ऑल दिस डिस्कशन ऑन यूट्यूब। यहाँ पे मैं जो है अभी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलूँगा एंड टोटली बाद में हम अलग से, टोटली इन इंग्लिश बाद में हम अलग से डिस्कस करेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वी हैव डन विथ ए बी। सेकंड क्वेश्चन आल्सो हमने देखा, थर्ड भी हमारा हो गया। आई होप आपने पढ़ा होगा, जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा बेटा यस कहिए और समरी पॉइंट्स निकाले होंगे। ये चैप्टर जो आप बहुत इग्नोर करते हो, जबकि एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। हो सके तो ये चैप्टर मतलब जितना फ्रिक्वेंट रिविजन में लोगे और रिवाइज करोगे आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस बार क्वेश्चन आएगा ही। वेरी गुड, यहाँ पे भारती, अदिति, पारस, चांदनी, बहुत अच्छी बात है बेटा। और ख्याल रहे, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेंगे। लर्न इट बाई डूइंग इट, डूइंग इट। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन इन लियू ऑफ कॉन्फिस्केशन लेवियबल अंडर सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट। फाइन इन लियो ऑफ, थोड़ा मैं ओके स्लो चलूँगा एज आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट वेल, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होगा। ठीक है,
Now, fine in lieu of confiscation, leviable under Section 130 of CGST Act 2017, on when the goods liable for confiscation and on conveyance. ये question लगभग हमने वैसा ही है जो पहले हमने देखा था, confiscation fine निकाली थी, आपको याद होगा. तो हमने यहाँ पे confiscation ए क्वेश्चन नंबर वन ए में कॉन्फिस्केशन फाइन निकाली थी. बताओ फटाफट कितनी थी कॉन्फिस्केशन रिडम्पशन फाइन, जिसे रिडम्पशन फाइन भी कहते हैं, कॉन्फिस्केशन फाइन भी कहते हैं और फाइन इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन भी कहते हैं. तीनों वर्ड्स आ सकते हैं एग्जाम में. तो यहाँ पे हमने जितना मार्केट वैल्यू होगा माइनस टैक्स गुड्स का, और बेटा कन्वेंस का कितना हमने निकाला था बताइए, बट अब फटाफट बताओ कितना था कन्वेंस का मैक्सिमम. तो अगर आपको याद होगा तो कन्वेंस का इक्वलेंट टू टैक्स था. तो लगभग वही पैरामीटर पे ये क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर आप आओगे ये क्वेश्चन में, यानी अगर इंस्टीट्यूट के एडिशनल प्रैक्टिस में ये एरिया में दो क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके रिडम्पशन फाइन और कॉन्फिस्केशन फाइन निकालने के लिए. वेरी गुड सिद्धि भारती, ओके सुधाकर, गुड. तो नाउ यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गुड्स 30 लैक्स दिया है, अप्लीकेबल GST ऑन सच गुड 5,40,000 GST दिया है, और GST ऑलरेडी पेड ऑन सच गुड 3,60,000. अब GST ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब आपने उसके ऊपर GST के पेमेंट किए है बेटा. अगर आपने GST के पेमेंट किया है तो आपका कैलकुलेट वुड आंसर डिफरेंट इफ गुड्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST एंड वैल्यू रिमेन्स द सेम नेमली 30,000. पहले तो हम नॉर्मली निकाल लेते हैं कि एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे से सॉरी. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स 15 लैक्स दिया है, मार्केट वैल्यू 20 लैक्स है, और GST ऑन सच गुड्स 3,60,000 है. तो यहाँ सिंपल वर्ड में सेक्शन 130 अगर आप लर्न कर सको तो उसका रेफरेंस आप जरूर लीजिएगा. और आपकी कॉन्फिस्केशन फाइन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो आपको मार्केट वैल्यू लेना है माइनस 3,60,000 टैक्स. तो ये आपकी जो ही कॉन्फिस्केशन फाइन हुई. और नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आप जरूर लिखना, द एग्रीगेट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवियबल अंडर सेक्शन 129(1). मतलब फाइन और पेनल्टी जो है वो आपकी जो पेनल्टी 129 की है उसके नीचे नहीं होना चाहिए. ओके इस ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फाइन एंड पेनल्टी मिला के ये टोटल अमाउंट आपकी जो पेनल्टी सेक्शन 129 में लग रही है ओके उससे कम नहीं होना चाहिए. अब आपका एक सवाल आ सकता है 129 क्या है. ओके मैं तो आपको बता सकता हूँ पर आप भी ढूंढो मेरे साथ. ओके अब बुक ओपन करो, बुक ऑलवेज ओपन रखना अपने साथ. सेक्शन 129 क्या है तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 129 ऑफेंस एंड मेरे साथ आप भी बुक ओपन करो बेटा. और सेक्शन 129 अगर आप आते हो तो सेक्शन 129 में एक बात का ध्यान रखना कि एग्रीगेट ऑफ फाइन एंड पेनल्टी शैल नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 129. तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर यह 130 की पेनल्टी आप लगा रहे हो तो 129 की पेनल्टी जो है नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ कॉन्फिस्केशन आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो गया है, ओनरशिप ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट. पर इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि 130 की पेनल्टी कॉन्फिस्केशन फाइन लग रही है तो फिर ये 129 की पेनल्टी नहीं लगेगी. 129 की पेनल्टी क्या थी अगर आपने देखा होगा तो सेक्शन 129 की पेनल्टी जो है यहाँ पे
अगर आपका गुड सीज हो जाता है, डिटेन हो जाता है, ओनर कम फॉरवर्ड होता है. अगर हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि ओनर अगर सामने आता है तो वो सिचुएशन में आपका पेनल्टी अमाउंट जो रहेगा इक्वलेंट टू 100% ऑफ टैक्स और रुपीस. अगर आप देखोगे तो देखो पेमेंट अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल्स टू 100% ऑफ टैक्स, मतलब पेनल्टी आपकी 100% ऑफ टैक्स रहेगी. और सेकंड, यहाँ पे ओनर सामने नहीं आता है तो नॉर्मल केस में आपको टैक्स तो नहीं पड़ेगा और पेनल्टी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इतना रहेगा. और एग्जम्प्टेड के केस में बेटा ओनर ओनर सामने आता है तो 2% और 25,000 विच एवर इज लेस, और ओनर सामने नहीं आता है तो 5% और यहाँ पे 25,000 विच एवर इज लेस, ये हमने देखा था. तो इसके साथ आप जरूर कंपेयर करें सेक्शन 130 का जब आप कॉन्फिस्केशन फाइन लगा रहे हो. और ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये है कि आपका ये जो अमाउंट है कॉन्फिस्केशन फाइन, इससे ओके कम नहीं होना चाहिए. यानी जो पेनल्टी इधर लगाई इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. डिटेंशन और सीजर की जो पेनल्टी लगाई उससे, ठीक है. तो ये पॉइंट. नेक्स्ट, कन्वेंस अगर कॉन्फिस्केट होता है तो कन्वेंस की पेनल्टी इक्वलन टू आपने 360,000, तो 360,000 आपका टैक्स था तो उतना रहेगा, ठीक है. ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स डिटेन और सीज अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी. अगेन ये सेक्शन 129. इन शॉर्ट, अगर वन सेक्शन 129 बार बार सामने आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. तीसरी बार ये सेक्शन 129 हमारे सामने आया है. और रिलीज, डिटेंशन या सीजर उसके ऊपर है. एक बात फिर से बता दूं, आपका अगर डिटेन और सीज किया गया, कॉन्फिस्केशन नहीं किया गया, तो डिटेंशन और सीजर की ये पेनल्टी है. स्पेशली अगर आपके कन्वेंस को रोक के ट्रांजिट में डिटेंशन और सीजर किया गया और कॉन्फिस्केशन कर लिया, तो फिर वो कॉन्फिस्केशन फाइन जो हमने इसके पहले देखा वो अप्लीकेबल होगा. अब दूसरी बात मैं आपको एक ये बता दूँ कि शायद कल के भी मैं जब लाइव चैट देख रहा था तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, और वो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर ओके कॉन्फिस्केशन फाइन या डिटेंशन सीजर ये जो पेनल्टी दोनों में फ़र्क क्या है. दोनों में यही है कि ऑफिसर कॉन्फिस्केट नहीं कर रहा है, ऑफिसर डिटेंशन सीज किया है और वहीं वो केस सेटल करना चाहता है, वो कॉन्फिस्केशन नहीं कर रहा है, तो फिर ये सेक्शन 129 की पेनल्टी लगाकर ख़त्म कर देगा वो. लेकिन अगर कॉन्फिस्केट हो गया तो वो सिचुएशन में फिर रिडम्पशन फाइन यानी कॉन्फिस्केशन फाइन लगाएगा, जो ये सेक्शन 129 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ओके उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इस बात का वो पूरा ख्याल रखेगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था. अब सेक्शन 129 की जो यहाँ पे पेनल्टी लगेगी वो अगेन इस बात पर ही लगेगी कि ये जो बंदा कम फॉरवर्ड यानी सामने आता है नहीं आता है. ओनर सामने आ रहा है मतलब ड्राइवर ओनर का नाम ही डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, वो कह रहा है सर मैं जान जाए पर ओनर का नाम जो है मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा. ओनर सामने नहीं आ रहा है तो पेनल्टी अभी अभी हमने देखा कि वो पेनल्टी फिर बहुत बढ़ जाती है. वो पेनल्टी जो है टैक्स प्लस आपका 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स उतना लग जाता है, और एग्जम्प्टेड केस में 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, ओके 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स उतना लग जाता है, यानी वो पेनल्टी वैल्यू बेस्ड चले जाती है. और यहाँ पे अगर आप ओनर सामने आ जाए तो गवर्नमेंट कहती है ये अच्छी बात है, ओनर सामने आना ही चाहिए. अगर ओनर सामने आ जाए तो हम ये पेनल्टी जो है ओके ये पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स ही लगाएंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पे इन्होंने सीधा कहा कि ओनर ऑफ द गुड डज नॉट कम फॉरवर्ड, ओनर नहीं आ रहा है, तो फिर ओनर नहीं आया तो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब 30 लाख जो है, 30 लाख का 50% जो है यहाँ पे यानी 15 लाख तक ये पेनल्टी जा सकती है. तो देखिए यहाँ पे
5,40,000 तो आपका टैक्स है, 50% ऑफ 30 लाख जो है वो पेनल्टी माइनस 3,60,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो, मतलब आपको टैक्स प्लस पेनल्टी देना है। टैक्स आपको 5,40,000 जो लग रहा है प्लस 50% ऑफ 30 लाख जो है, यहाँ पे 50% ऑफ पेनल्टी यानी 30 लाख जो है ओके, वो पेनल्टी माइनस 360 आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि सर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। एक बात बेटा, जब अगर लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा, हमारा डिस्कशन उसके ऊपर हो चुका है। आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया और लेट पेमेंट किया तो नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग आपको इंटरेस्ट डिफॉल्ट लगना ही है। तो बेटा यहाँ अनु, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसके बारे में सवाल ही नहीं पूछना कभी। वो तो बेटा आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, आप जो है 30 दिन में भी पे कर दोगे ना तो भी इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑलवेज पेएबल एज पर सेक्शन 50, उस पर सवाल ही मत पूछो। ये हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, रिडम्पशन फाइन या फिर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ओके डिटेंशन, सीजर फाइन, पेनल्टी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपका आंसर क्या बदल सकता है अगर ये टैक्सेबल की जगह एग्जम्प्टेड गुड्स है? बिल्कुल बदल सकता है ओके, ये अगर टैक्सेबल की जगह एग्जम्प्टेड गुड्स है तो वो सिचुएशन में जो है डिटेंशन और सीजर की जो पेनल्टी लगेगी वो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है या स्टूडेंट विच एवर इज हायर कर सकता है, क्योंकि जनरली पेनल्टी और फाइन में एक आदत लगती है हमको और वो है विच एवर इज हायर। तो ऐसे केस में मैं आपको ये कहना चाहूँगा यस ऐश्वर्या करेक्ट, यहाँ पे 5% पर मैक्सिमम 25,000, ये मैक्सिमम 25,000 वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो है 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, इतना पेनल्टी आपको लगेगा। तो यहाँ पे 5% और 25,000 तो 25,000 रुपये मैक्सिमम रहेगा, उतना ही पेनल्टी रहेगा। यस पारस, पारस भारती ऐश्वर्या यू आर करेक्ट, मैक्सिमम 25,000 लगेगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ मैं यहाँ कोई टाइम पास नहीं करूँगा और जितना हो सके कंटेंट बेस्ड आपको हेल्प करूँगा। मैं एक टीचर हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए ओके अगर आप एंजॉयमेंट मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे होगे तो बेटा अभी एग्ज़ाम का टाइम है, टाइम पास का नहीं, पहले ये ख़त्म करते हैं। और मैं फर्स्ट डे से ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है कंटेंट बेस्ड ओके कैसे शॉर्ट करना है, क्या पॉइंट कवर करना है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये जो है इसके पहले दोनों क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने जो कंटेंट दिया है ये इतना इनफ है, मतलब इसको आप और क्या समराइज करोगे, आपको कैलकुलेशन बेस ही करना है बेटा। तो यहाँ दैट्स इनफ। अगेन सेक्शन 129 पे क्वेश्चन आगे खड़ा हो गया, मतलब इंस्टीट्यूट का ये सेक्शन बड़ा फेवरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 122 है, उसके बाद में सेक्शन 126 है, 129 है, 130 है, 132 है ओके, और रिडम्पशन फाइन जो है, ये ऐसे 5-6 क्वेश्चंस पे ओके। आपको लिस्ट याद रहे ना रहे, लिस्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात, पर अगर लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस याद रहे ना रहे, कैलकुलेशन तो भी करके जाना अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलो बेटा 200 समझ में आ रहा होगा तो यस बोलते जाइए ओके। तो नेक्स्ट, एक्स वाई जेड कैरियर्स गुड्स फ्रॉम वडोदरा गुजरात टू पुणे महाराष्ट्र, द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 80,000 विच आर चार्जेबल टू टैक्स 18% IGST। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, IGST एंड इन ट्रांजिट। सर ये IGST क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सेक्शन 122 के आगे या जितने भी सेक्शंस हम प्रोसीजर के पढ़ रहे हैं ये CGST एक्ट के ही अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि IGST एक्ट ये कहता है कि जो CGST की प्रोविजन है या SGST की प्रोविजन है सेम IGST को अप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब मैं IGST क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें डबल हो जाती है IGST में ओके, क्योंकि IGST की में ये है CGST प्लस SGST, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गूगली क्वेश्चन आ सकता है। हम लिखेंगे एज पर CGST एक्ट पर अमाउंट को डबल करेंगे ओके अंडर IGST। वेरी गुड हिना, अमाउंट डबल हो जाएगी यहाँ पे। तो प्रॉपर ऑफिसर इंटरसेप्टेड द सेम अंडर सेक्शन 68 ऑफ द CGST एक्ट एंड फाउंड कॉन्ट्रावेंशन, कैलकुलेट द पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट, रेफरेंस CGST एक्ट का ही आएगा। इफ XYZ कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स,
अब एक्स वाई जेड कम फॉरवर्ड है, मतलब पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी है यहाँ पे 100% ऑफ टैक्स। अब 100% ऑफ टैक्स सीजीएसटी का और 100% ऑफ टैक्स एसजीएसटी का, यानी इमेजिन द सिचुएशन, अगर आपने आईजीएसटी का अगर किया तो ये अमाउंट कितना बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये आपकी लाइन आनी चाहिए, ये तो मैंने वो सेक्शन 129 एक्सप्लेन किया लीगल प्रोविजन क्या थी। आप एक आंसर लिखते वक्त लिख सकते हो लीगल प्रोविजन, ऐसे टाइटल्स भी दे सकते हो बेटा, ये टाइटल्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 प्रोविजन ऑफ पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट अप्लाई इन केस ऑफ आईजीएसटी एज वेल। हाँ, ये पॉइंट आप जरूर दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और ये सेक्शन 20 IGST एक्ट का, ये अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सेक्शन 20 ये कहता है कि लिस्ट ही दी है उन्होंने सेक्शन 20 में, ये CGST एक्ट की प्रोविजन एज इट इज़ अप्लाई होगी। और यहाँ पे एज वेल हाउएवर द पेनल्टी इज लेवियबल अंडर CGST एक्ट 2017 एंड STUTGST एक्ट, द पेनल्टी लेवियबल अंडर IGST एक्ट शैल बी द सम टोटल ऑफ सेड पेनल्टीज। ये दूसरी लाइन आपकी आनी चाहिए, ये पेनल्टी अंडर CGST एक्ट और SGST एक्ट लग रही है तो IGST एक्ट में वो टोटल रहेगी, इस बात का ख्याल रखें कि IGST एक्ट में वो टोटल रहेगी। देयरफॉर पेनल्टी पेबल अंडर IGST एक्ट डबल द पेनल्टी अंडर सेक्शन 129। डबल द पेनल्टी तो बेटा ये तो मर ही गया पूरा, यानी यहाँ पे तो आपका 18% अगर हम देखें 18% IGST है, बराबर है 18% है, फुल रेट ऑफ टैक्स लेना पड़ेगा 18% यानी 100% 14,400 आपका अमाउंट आ रहा है अगर वो कम फॉरवर्ड हो रहा है तो। और वो नहीं आ रहा है तो इमेजिन द सिचुएशन, अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अमाउंट जा रहा है, ये कैलकुलेशन 65,600 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन में उन्होंने गलती की है। सही है, ये क्वेश्चन में गलती किया है उन्होंने और ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन, वही आंसर देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिवाइज आंसर बाद में दिया है उन्होंने। हिना आप सही हो, क्योंकि कम फॉरवर्ड नहीं है तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, टैक्स डिडक्शन कॉन्फिस्केशन फाइन में आता है, यहाँ पे डायरेक्ट 50% ऑफ वैल्यू आता है। तो कुछ तो गड़बड़ है ये क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने टैक्स नहीं डिडक्ट करना चाहिए था। ये तो 100% ऑफ टैक्स, ओके ये सही है, यहाँ वो गड़बड़ कर रहा है। और ये 50% ऑफ वैल्यू होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। 50% ऑफ वैल्यू मतलब मेरे हिसाब से 40,000 ये CGST का प्लस 40,000 SGST का 80,000 ये टोटल आपका आना चाहिए पेनल्टी, इट्स रॉन्ग। 65,000
600 यहाँ टैक्स डिडक्ट नहीं होता है यहाँ जो है, क्योंकि इट्स नॉट रिडम्पशन फाइन, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 80,000 आना चाहिए, उनकी मिस्टेक हुई है। मतलब CGST का 40,000 50% और SGST का 40%, 80,000 आना चाहिए आंसर। तो आप यह करेक्ट कर लो, 100% वो 80,000 रहेगा, यहाँ उनकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, शायद रिवाइज एडेंडम में वगैरह कुछ दिया होगा उन्होंने, बाद में देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, वो कंफर्म है 80,000 मिस्टेक हुई है उनसे। नहीं, एक मिनट एक मिनट, नहीं, दिया है सेक्शन 129 में। सही है सही है सही है सही है, एक मिनट, सेक्शन 129 में दिया है कि अमाउंट रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन। यस करेक्ट बेटा, टैक्स अमाउंट रिड्यूस होगा तो 80,000 माइनस 14,400 यानी टैक्स अमाउंट रिड्यूस होगा। यस करेक्ट है, ओके। यह स्पेसिफिकली दिया है उन्होंने, अगर ओनर डजंट कम फॉरवर्ड देन यहाँ पे अप्लीकेबल टैक्स पेनॉल्टी इक्वल्स टू 50% ऑफ टैक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिड्यूस बाय, वो वर्ड अंडरलाइन करना, रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन। तो ये आंसर सही है, 14,000, ओके, यानी 80,000 माइनस 14,400 यानी टोटल 65,600 ये कवर होगा। यस इट इज करेक्ट, यस अनु, इट्स करेक्ट, टैक्स डिडक्शन होगा उसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मंगेशवर रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट 2017 हैज मेड अ ब्रीच इन पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंटिंग टू ₹6,100। एक मिनट, आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। बेटा ये अज्यूम कर लेना कि उसने टैक्स पे किया है, जो अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है ये अज्यूम कर लेना कि 18% टैक्स हैज बीन पेड, क्योंकि सेक्शन में क्लियर वर्ड है कि अगर पे किया होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, अगर पेएबल होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें ये नोट, और शायद उन्होंने नीचे आंसर में भी नोट यही दिया है, नहीं उन्होंने नोट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर यू मस्ट हैव टू टेक एजम्पशन दैट ओके अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन पेड, ओके वो आपने पे कर दिया है, ठीक है, और उसका डिडक्शन आप ले सकते हो, ये एजम्पशन लिख लो, एजम्पशन अमाउंट ऑफ टैक्स हैज बीन पेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंगेशवर रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट 2017 हैज मेड अ ब्रीच इन पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंटिंग टू ₹6,100। असेसिंग अथॉरिटी, अच्छा थोड़ा अब मेरे साथ एनालिसिस करना, यहाँ एनालिसिस हमें लगेगा। ब्रीच इन पेमेंट ऑफ टैक्स जो है 6,100 जो है वह हमें यहाँ पे टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है। असेसिंग अथॉरिटी हैज इम्पोज अ पेनल्टी एज पर लॉ अप्लीकेबल टू ब्रीच इनवोकिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126। फटाफट बताइए 126 का एक है। मंगेशवर अर्ग्यूज दैट इट इज माइनर ब्रीच एंड देयरफॉर नो पेनल्टी इज पेबल। अगर 126 नहीं भी याद आता है, पर ये माइनर ब्रीच वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है माइनर ब्रीच वाला, मतलब ये एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ याद आ रहा है माइनर ब्रीच वाला आपको, 5,000 से कम, ओके याद आया आपको? नहीं बेटा ऐसे याद रखना, लेस देन 5,000, मतलब डॉट 5,000 होगा तो माइनर ब्रीच नहीं, लेस देन 5,000 अमाउंट होनी चाहिए। इन अनदर इंस्टेंस, चलो एक और दिया उन्होंने, क्या मंगेशवर हैज ओमिटेड सर्टन डिटेल्स इन डॉक्यूमेंटेशन दैट इज नॉट इजिली रेक्टिफाइड, अगेन दिस वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, नॉट इजिली रेक्टिफाइड,
दिस हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू ग्रॉस निग्लिजेंस ऑफ हिज अकाउंटेंट एंड ही मेक्स द प्लियर दैट ही हैज अनअवेयर ऑफ इट एंड देयर फॉर नो पेनल्टी शुड बी लिविड. नॉट इजिली रेक्टिफाइड डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक किया और वो कह रहा है कि मैं अवेयर नहीं था. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मंगेशवर वॉलेंट्रीली राइट्स एक्सेप्टिंग अ मेजर प्रोसीजरल लैप्स, अंडरलाइन एक और ऑफेंस, मेजर प्रोसीजरल लैप्स फ्रॉम हिज साइड एंड रिक्वेस्ट द ऑफिसर टू कॉन्डोन द लैप्स एज लॉस कॉज टू द रेवेन्यू वॉज नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, ऑल्सो लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ मंगेशवर हैज नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोविजन अंडर CGST एक्ट 2017. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसा कुछ और लैप्स प्रोसीजर लैप्स हुआ जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है. ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नो पेनल्टी शुड बी लिविड विदाउट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. और वो कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पेनल्टी नहीं है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. डिस्कस वॉट एक्शन मे बी टेकन बाय असेसिंग ऑथोरिटी अंडर द लॉ फॉर ईच ऑफ अवर ब्रिचेस, मतलब एक एक ब्रिच के लिए आप क्या एक्शन डिपार्टमेंट ले सकती है वो आप बताइए. अब बेटा यहाँ पे आप एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, उसके हर ब्रिच पढ़ो और एक बार देखते हैं. एक पहला तो माइनर ब्रिच है, दूसरा नॉट इजिली रेक्टिफाइड, ये भी सेक्शन 126 में कवर होता है. उसके बाद में प्रोसीजर लैप्सेस 126 में कवर होता है. उसके बाद में ऐसा कोई लैप्स हुआ है जो यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, अगर कोई पेनल्टी नहीं है तो उसके लिए क्या यहाँ पे प्रोविजन होगी. ऐश्वर्या का आंसर है 125 में, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है 125 में जनरल पेनल्टी लग सकती है. चलो ठीक है, सो दो से यहाँ पे हिना का आंसर आया कि दो सेक्शन लगेंगे, सेक्शन 125 और 126. चलिए ओके, आपका एनालिसिस सही है. पहले जो सेक्शन बाजू में एक लेते हैं, कौन से, तो 126 वाला. ये दो सेक्शन रेफरेंस किया है. फिर 126 में सब 126 सबसेक्शन 1 और 126 सबसेक्शन 5. चलो लिस्ट बना लो, आपको क्या पढ़ना है, आपको 126(1) पढ़ना है. मेरे साथ अभी ख़त्म करना है, बहुत अच्छा सेक्शन है. और एक बार मेरे साथ पढ़ो, 126(1) पढ़ना है. उसके बाद में 126(5) क्या है वो भी पढ़ो, क्योंकि रेफरेंस लिया है, हम भी देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है उन्होंने रेफरेंस. और सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी. ठीक है, मैं दो मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट पढ़ो. यस, मेरे साथ ही बुक ओपन करके यहीं ख़त्म करो. करेक्ट अनमोल, वॉलेंट्री डिस्क्लोजेस. ओके, 126(5) वॉलेंट्री डिस्क्लोजेस से रिलेटेड है. यस सुधाकर, करेक्ट. चलिए तो अब हम समरी कैसे बनाएं इसकी. आपने सेक्शंस लिख लिए साइड में, इतने सेक्शंस हमारे कोट होने चाहिए. अब बेटा देखो, अभी आप सेक्शंस लिख रहे हो तो कहीं तो भी सेक्शंस पे ध्यान जा रहा है, ये बेस्ट तरीका है. और मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर से अभी कहता हूँ कि DT हो, IDT हो, कल मुझे WhatsApp पे बहुत से स्टूडेंट्स के रिस्पांस मिले जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं कि सर ये टेक्निक हमें बहुत हेल्प कर रही है. कि हमारा डर जो रहता था कि हम आंसर नहीं पढ़ते थे, बहुत सी बार आंसर इसलिए नहीं पढ़ते थे कि सर हमको नहीं आ रहे इसलिए नहीं पढ़ते थे. छोड़ो ना यार, ओके नहीं आ रहे तो क्यों दिमाग को प्रेशर लेते हो, लाइफ बार बार नहीं मिलती है. फिर से पढ़ो, लर्न इट बाय डूइंग इट, डूइंग इट. ओके, तो वही एनालिसिस करो, तब तो सेक्शन की तरफ ध्यान जाएगा. आज तक आपका 122, 126, 129, 130 अगर सेक्शन की तरफ ध्यान नहीं गया होगा तो आज तो गया, आज तो गया, तो कहीं तो भी आपने बीज तो बो दिया. ओके बेटा, बीज बोगे तो झाड़ आएगा ही, ये ध्यान से, ये ध्यान ही रखना आप जिंदगी में. थोड़ा देर सवेर आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर रिजल्ट मिलेगी ही. बीज बोना बहुत ज़रूरी है. सो चलो दोस्तों, ओके यहाँ पे सेक्शन 126, यहाँ पे अमन थैंक्स. ओके बिल्कुल, आप ज़रूर फ़ायदा लो इसका. तो माइनर ब्रीच में एक्सप्लेनेशन में 5,000 रुपये, ये वाला पॉइंट आपका आना चाहिए. और वर्ड आना चाहिए लेस देन 5,000, इस बात पर पूरा ध्यान रखना, लेस देन 5,000. देयरफॉर ब्रीच मेड बाय मंगेश्वर इज नॉट माइनर ब्रीच, क्योंकि उसका अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है, ये आपकी कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए.
उसके बाद में नेक्स्ट ओमिशन और मिस्टेक पे हम क्या कहने वाले हैं। ओके पॉइंट लिखते जाओ साइड में। हमें पहला माइनर ब्रीच के बारे में लिखना है। लिखो लिखो लिखो, ये आपको कौन सा वर्ड टू वर्ड लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंट स्कोर करना है बाद में अपनी लैंग्वेज। ओके पहले पॉइंट में आपका माइनर ब्रीच 5000 लेस देन 5000 ये बढ़ाना चाहिए, बात खत्म। ओके दूसरा आपका सेकेंड 126, हाँ इस पे क्या करोगे, ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका टाइटल होना चाहिए। ये तीन वर्ड्स आने चाहिए, ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन, फिर हमारे वर्ड्स। ओके थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक इधर उधर, पर ये तीन ओमिशन मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजिली रेक्टिफाइड। ओके इजिली रेक्टिफाइड होगा तो यहाँ ऑफिसर पेनल्टी से आपको बचा सकता है। ओके नॉट लायबल टू पेनल्टी, बट यहाँ पे वो इजिली रेक्टिफाइड नहीं था। ओके और ही हैज ऑकर्ड ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस, इसलिए यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। उसके बाद में नेक्स्ट 126.5 तीसरी केस क्या थी बेटा, ओमिशन मिस्टेक, ये हो गया माइनर ब्रीच हो गया, ये ओमिशन और मिस्टेक हो गया। फिर नेक्स्ट बेटा, फिर ये देखो यहाँ पे मंगेशवर वॉलंटरीली राइट्स एक्सेप्टिंग अ मेजर प्रोसीजर लैप्स, वॉलंटरीली वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोसीजर और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब सबसेक्शन 5 पढ़ता हूँ मैं एक्ट का, एटलीस्ट अभी तो भी ध्यान जाएगा अपना। ओके बस मेरी एक लाइफ में याद एक बात याद रखना, जो जिंदगी में चाहोगे वो मिलेगा ही। बीज बो दो, बीज बो दो, डोंट अफ्रेड फॉर अनफोर्सिंग इवेंट। एक बहुत डर रहता है कि हमने जो नहीं देखा उसका डर रहता है। ओके बीज बो दो, फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेक्शन 5, व्हेन अ पर्सन वॉलंटरीली डिस्क्लोजेस टू एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ टैक्स लॉ रेगुलेशन प्रोसीजर रिक्वायरमेंट प्रायर टू डिस्कवरी ऑफ ब्रीच ऑफ द ऑफिसर अंडर दिस एक्ट द प्रॉपर ऑफिसर मे कंसिडर दिस फैक्ट एज मिटिगेटिंग फैक्टर्स व्हेन क्वांटिफाइंग अ पेनल्टी फॉर द पर्सन फॉर दैट पर्सन। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है कि मैं खुद होके जो भी मैंने गुनाह किए हैं खुद होके डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो फिर गवर्नमेंट उस बात का ध्यान रखती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई खुद होके यहाँ पे वॉलंटरीली डिस्क्लोज कर रहा है जो उसने ब्रीच किया है, तो गवर्नमेंट बेटा यहाँ पे ओके पेनल्टी फिक्स करते वक्त वो फैक्ट्स कंसिडर करती है टू मिटिगेट द अमाउंट। पेनल्टी कम कर सकती है, ऑफिसर कम कर सकता है, तो ये बात का भी, ये तो ऑब्वियस है, वो गवर्नमेंट ने करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मिटिगेटिंग फैक्टर व्हेन क्वांटिफाइंग द पेनल्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये वर्ड आना ही चाहिए मिटिगेटिंग। ओके ये जो है ना, ये आपको अलग ही वो आंसर मिटिगेटिंग वर्ड मिल गया कि वो जो पेपर चेकर जो है उसको बहुत हेल्प होगा। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम में स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन बिटवीन, इसलिए सिलेक्शन करते वक्त आंसर शीट सिलेक्शन, जब भी आप पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो आंसर लिखते वक्त पहले ऐसे क्वेश्चन लो जो बहुत आप अच्छे से लिख सकते हो, एंडिंग के क्वेश्चन ऐसे लो जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इन बिटवीन वो क्वेश्चन लो जहाँ पे आप थोड़ा श्योर नहीं हो। और ये बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं है मैं ये मानूंगा, क्योंकि 99.99% स्टूडेंट्स को 100% पेपर कभी नहीं आता है। ओके मतलब 100% उसको सॉल्व कर, कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें भूल ही जाएगा, ऐसा तो बहुत कम होगा कि पूरा 100% उसको आ रहा है, ठीक है। तो उसको वो पेपर का आंसर उस तरह से अरेंज करना है बेटा, मैं ये कहूँगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स अगर आपके अच्छे से हो गए ना, बहुत इजी चैप्टर्स है, आप ये क्वेश्चंस एंडिंग में अच्छे तरह से लिख सकते हो ये चैप्टर से रिलेटेड। तो वापस मैं अपने डिस्कशन पे आता हूँ। तो यहाँ पे बेटा सिंपल वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, आपने खुद ही सरेंडर कर दिया, तो पेनल्टी वेव नहीं होगी, उन्होंने वर्ड वेव नहीं किया है, उन्होंने कहा कि मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकते हैं फाइल क्वांटिफाइंग द पेनल्टी, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो सकता है या बहुत कुछ अमाउंट भी कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। क्वांटम ऑफ पेनल्टी कितनी कम होगी वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस पे होगा। उसके बाद में एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 व्हेन नो स्पेसिफिक पेनल्टी हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर इट शैल बी लायबल टू पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू ₹25,000। मतलब जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 की 25,000 होगी।
तो इसको आपको इमीडिएट अभी समराइज करना है, हर ब्रीच के लिए कैसे पॉइंट्स आपको कवर करना है। ओके, और यहाँ पे जनरल पेनल्टी 125 भी लिख सकते हो। अब ये 5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इफ देर इज नो पेनल्टी प्रिस्क्राइब एनीवेयर देन जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 ओके इज पेबल एंड दैट इज ₹25,000 या यहाँ पे अप टू 25,000, एक्सटेंड अप टू 25,000, दो लाइन में आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। What are the cognizable and non-cognizable offences under Section 132 of the CGST Act? Cognizable मतलब non-bailable और non-cognizable मतलब bailable, उल्टा है। Non-cognizable मतलब severe offence होता है, sorry, cognizable मतलब severe offence होता है, non-cognizable मतलब उतना severe offence नहीं माना जाता है। अब cognizable offence मतलब बेटा non-bailable। अब ये नॉन बेलेबल और बेलेबल वर्ड सुन लो। नॉन बेलेबल मतलब कि आपको ऑफिसर बेल नहीं देगा। जैसे कैसा होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में भी जब गुनाह होता है तो कुछ पुलिस खुद ही बेल दे देता है, मैजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपका ऑफेंस सीवियर नहीं है तो यहाँ GST ऑफिसर ही खुद बेल दे देगा आपको। ओके, यानी अरेस्ट करने के पहले खुद ही बेल दे देगा। ठीक है, पर अगर आपका ऑफेंस जो है कॉग्नाइजेबल है, मतलब नॉन बेलेबल है, तो आपको बेल मिलेगी, पर ऑफिसर के थ्रू नहीं मिलेगी, आपको मैजिस्ट्रेट के थ्रू बेल मिलेगी। मतलब दोनों केस में बेल है, कॉग्नाइजेबल हो या नॉन कॉग्नाइजेबल हो, दोनों केस में बेल है। लेकिन फिर सर दोनों केस में बेल है तो आपने ऐसा क्यों लिखा नॉन बेलेबल और बेलेबल? ये नॉन बेलेबल और बेलेबल मैंने जो लिखा है फ्रॉम ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। मतलब आपका ऑफेंस अगर कॉग्नाइजेबल होगा मीन्स नॉन बेलेबल बाय ऑफिसर, नॉन बेलेबल बाय ऑफिसर, ये प्रॉपर वर्ड है। और अगर आपका ऑफेंस बेटा नॉन कॉग्नाइजेबल होगा तो बेलेबल बाय ऑफिसर। तो यहाँ नॉन बेलेबल बाय ऑफिसर मतलब ऑफिसर बेल नहीं दे सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट में बेल दे सकता है। ठीक है, यस भारती, ये भी करेक्ट है। अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विथ वारंट, ये भी एक डिफरेंस पॉइंट है, कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल। मैंने अपने बुक में डिफरेंसेस दिए हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हो। यस, एज पर सेक्शन 132(5) ऑफ CGST एक्ट, फॉलोइंग ऑफेंस आर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, अंडरलाइन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब नॉन बेलेबल। ये लर्न करते जाओ, कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल, कॉग्नाइजेबल नॉन बेलेबल, टाइम पे भूल जाओगे। ओके, 5-6 बार लिख के देख लो, नहीं तो टाइम पे भूल जाओगे। प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज और रिफंड रॉन्गली टेकन मोर देन 5 करोर्स नेमली। ओके, तो आपने अमाउंट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स ये किया है, इवेजन किया है 5 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर ऑफिसर बेल नहीं देगा आपको। ये केस में देखो, अगर आपको याद होगा तो 5 करोड़ से ज़्यादा होगा अमाउंट तो उधर जो है आपको प्रोसिक्यूशन, अगर याद होगा सेक्शन 132, नहीं तो ओपन करो सेक्शन 132 में, प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसिक्यूशन यहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट होगा तो मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम बताओ कितना, मैक्सिमम कितना? तो 5 साल की सज़ा आपको हो सकती है मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो। ओके, विथ फाइन, वो वर्ड भी वो इम्पॉर्टेंट है, 5 ईयर्स एंड विथ फाइन। अब सर 5 ईयर्स एंड विथ फाइन मतलब क्या? मतलब वहाँ ये कॉन्फिस्केशन फाइन नहीं, वो कॉन्फिस्केशन फाइन तो अलग ही है, ये तो अरेस्ट की फाइन है और एंड वर्ड है, एंड मतलब फाइन भी लगेगी आपको, तो इस बात का आप जरूर याद रखें कि सिर्फ 5 ईयर्स नहीं एंड फाइन। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ बेटा इतनी 5 साल की सजा है तो बेल तो मैं मांगूंगा नहीं, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा यार, 5 साल जेल में करूँ क्या? तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम 5 ईयर्स एंड विथ फाइन, लेकिन मैं बिल मांगूंगा। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर आपने टैक्स इवेड किया, ये ITC रॉन्गली अवेल किया, मतलब दो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स ये केस टैक्स इवेजन या रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ ITC और यूटिलाइजेशन ऑफ ITC उससे रिलेटेड रहेगा। मतलब आपको बेल ऑफिसर कब नहीं देगा, तो ऑफिसर टैक्स इवेजन का केस होगा या ITC का केस होगा तो वो नहीं देगा। और जिसमें अमाउंट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, नेमली सप्लाई विदाउट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस विद इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो सरकमटेंसेस देख लो, लर्न करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सप्लाई किया विदाउट
इश्यूएंस ऑफ विदाउट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, तो आपने विदाउट इनवॉइस सप्लाई किया, ओके, रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी यूजिंग इनवॉइस बिल अगेंस्ट विच नो सप्लाईज हैव बीन मेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्ट, फेलियर टू पे एन अमाउंट कलेक्टेड एज अ टैक्स गवर्नमेंट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. हाँ, ये 3 मंथ्स जरूर याद रखना, ये तो सभी ऑफेंस में है कि आपने पैसा कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया विद इन 3 मंथ्स. इस पर छोटी सी केस स्टडी बन सकती है, शायद पहले भी देखा था हमने कि अगर 3 महीने के अंदर पे कर दिया होगा तो फिर ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा. यानी आपने कस्टमर से कलेक्ट करके 3 महीने के अंदर अंदर पे कर दिया तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन आपने 3 महीने के अंदर पे नहीं किया तो ही ऑफेंस माना जाएगा. Further, Section 132(4) of CGS provides that all offences specified under Section 132 are non-cognizable offences except the cognizable offence. अब क्या करना है? अभी अभी खत्म करो मेरे साथ. 132 की लिस्ट निकालो. मैं आपके साथ निकाल रहा हूँ. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 मेरी बुक आपके पास होगी तो, और सेक्शन 132 की लिस्ट निकालना. उसमें ले ए से लेके तो के तक एल तक, मतलब ये लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 12 ऑफेंस उसमें दिए सेक्शन 132 में. तो ये जो 12 ऑफेंसेस है बेटा, अगर आपको टाइम मिले तो आप ऐसा टेबल भी बना सकते हो. और वो कैसा टेबल यहाँ पे कि 122 के कितने ऑफेंस है, तो वो कुछ 21, 22 ऑफेंसेस है, उसमें से ये 12 ऑफेंस पर प्रोसिक्यूशन है, बाकी ऑफेंस पे प्रोसिक्यूशन नहीं है. ओके, तो ये भी आप कंपैरिजन बना सकते हो अगर आपको टाइम मिला तो. तो ये जो 12 ऑफेंस है इसमें से ये जो 4 ऑफेंसेस है, सुना, ये जो 4 ऑफेंसेस है, कौन से 4 ऑफेंसेस है बेटा यहाँ पे, ए बी सी डी, यहाँ अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी, यानी आप छोटा सा चार्ट भी बना लेना टाइम पे याद आने को, तो सेक्शन 132 के 12 ऑफेंसेस, इसमें से दिस 4 ऑफेंसेस और अदर ऑफेंसेस, दिस 4 ऑफेंसेस उसमें भी दो पार्ट, अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी और अमाउंट अगर 5 करोड़ या उससे कम होगी, अमाउंट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तो वो ऑफेंस कॉग्नाइजेबल, दैट मीन्स नॉन वेलेबल माना जाएगी, जिसमें वारंट भी वो फैक्टर रहेगा. और अगर अमाउंट 5 करोड़ से कम होगी तो वो सिचुएशन में ये ऑफेंस को जो है यहाँ पे नॉन कॉग्नाइजेबल एंड अवेलेबल माना जाएगा. और अदर ऑफेंसेस जो है, तो अदर ऑफेंसेस यहाँ पे जहाँ तक है वो ऑलवेज नॉन कॉग्नाइजेबल माने जाएंगे. ये चार्ट से क्या हो गया, और इजी हो गया हमें लिखना. और ये 4 ऑफेंस अभी मेरे क्लास होने के बाद कंप्लीट करना है ये चार्ट, और ये 4 ऑफेंसेस लिख के देख लेना तो आपको और डेफिनेटली हेल्प होगा. और नेक्स्ट बेटा मैं आपको ये कहूँ, यहाँ पे साथ साथ में एक अच्छा चार्ट बना लो, कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल, उसके नीचे ओके, अगर अमाउंट 5 करोड़ के ऊपर होगी तो भाई पहली बार अगर उसके नीचे प्रोसिक्यूशन लिख लिया, 5 करोड़ से अमाउंट ज़्यादा होगी तो प्रोसिक्यूशन कितना, तो मिनिमम 6 मंथ अनलेस एडिक्वेट रीज़न. ये वर्ड बहुत बार आता है कि अनलेस एडिक्वेट रीज़न. एडिक्वेट रीज़न मतलब क्या, कि भाई अगर आप बता दो कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, एक दो बार हार्ट अटैक आया है, यानी ऐसा रीज़न कि कोर्ट भी कंसिडर करे कि हाँ भाई इसको अगर अरेस्ट वगैरह कर लिया तो मर जाएगा बंदा, ओके, तो हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये एडिक्वेट रीज़न माना जा सकता है. पर एज एडिक्वेट रीज़न नहीं, कोई 80 साल का है और ऑफेंस कर रहा है तो भाई मेरी एज 80 साल की इसलिए मुझे अंदर मत डालो वो, या मैं बच्चा हूँ इसलिए मुझे अंदर मत डालो, ये एडिक्वेट रीज़न नहीं है. या सर आपने मेरा गुड्स भी ले लिया, पेनल्टी भी लगा दी, इंटरेस्ट भी ले लिया, सब कुछ मुझे लूट के लेके गए, अब मुझे अरेस्ट तो मत करो, ये एडिक्वेट रीज़न नहीं है. ओके, ये डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस कि आपका एडिक्वेट रीज़न क्या होगा. ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे अगर एडिक्वेट रीज़न नहीं होगा तो 6 महीने की कम से कम सज़ा होगी, तो उसके नीचे चार्ट के नीचे सज़ा लिख दो तो वो प्रॉपर क्लासिफाई करके, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा ओके एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले ये सब रीड करने के लिए. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाओ, सब रेडीमेड मत लो बेटा, बहुत स्पून फीडिंग होगी, खुद तो खुद करो, रिसर्च खुद करो. तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ कि जो एग्ज़ाम के 2 घंटे 3 घंटे पहले आप रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप बनाइएगा, ठीक है. तो बेटा यहाँ पे ये बात ठीक है, हमने देखा कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस.
नेक्स्ट, वेयर एन ऑफेंस अंडर 10th नंबर का क्वेश्चन देखो. वेयर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन अंडर द जीएसटी लॉ इज कमिटेड बाय टैक्सेबल पर्सन बीइंग अ ट्रस्ट हु आर डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस. ठीक है, ऑफेंस करने वाला ट्रस्ट है. ठीक है, हु डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस व्हेन डू द रिलेवेंट प्रोविजन बिकम inapplicable in respect of individual concern with the trust. ठीक है, सेक्शन 137. वैसे क्या आपको याद आएगा 137? रीड कर लेते हैं अभी, अगर क्वेश्चन ही सामने आ गया है तो रीड कर लेते हैं. देखो 137 क्या है. ओके, ऑफेंस बाय कंपनीज पेज नंबर 637 पे आएगा मेरे बुक में. ठीक है, 137. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी. अब देखो, और यहाँ पे ट्रस्ट सिमिलर प्रोविजन ट्रस्ट को भी अप्लीकेबल होगी. तो देखो 137 क्या कहता है, मैं रीड कर लेता हूँ, एटलीस्ट अभी तो भी आपका हो जाएगा. स्टिपुलेट दैट वेयर द ऑफेंस करेक्ट. यहाँ हिना मैनेजिंग ट्रस्टी, चंदन ट्रस्ट करेक्ट, भारती आपने सही आंसर दिया है. चलो रीड कर लेता हूँ. Where an offence under GST law is committed by a taxable person being a trust, the managing trustee shall be deemed to be a guilty of offence. ये important word आना ही चाहिए. जो managing trustee है वो guilty रहेगा and shall be liable to proceed against and punish accordingly. मतलब क्या कि जो भी यहाँ पे arrest prosecution action होगी 132 की, वो managing trustee के against में की जाएगी और punish किया जाएगा. But further, where it is proved that offence committed by trust has been committed with the consent, या okay, connivance मतलब indirectly involved था, या उसके approval से, कि वो direct तो direct party नहीं थी, पर उसके कहीं तो भी indirect approval था. Okay, उसको बोलते हैं connivance. और ये attributable to negligence on the part. चलो वो involved नहीं था, उसका indirect approval नहीं, acceptance नहीं था, लेकिन उसने ओके निग्लेक्ट कर दिया. मतलब उसको पता था कि ऑफेंस हो रहा है पर वो अलग हो गया, निग्लेक्ट कर लिया. अगर निग्लिजेंस भी होगा तो भी ये यहाँ पे पनिशमेंट किया जाएगा. तो एट्रिब्यूटेबल टू अ निग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल कंसर्न विद द ट्रस्ट ही शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस. तो बेटा मैनेजिंग ट्रस्टी तो रहेगा ही, प्लस अगर कोई ऐसा बंदा जिसके कंसेंट से ऑफेंस हुआ है या फिर उसके निग्लिजेंस के वजह से ऑफेंस हुआ है जो उसको पता था, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके वो पर्सन के अगेंस्ट में भी चार्ज होगा. रिलेवेंट प्रोविजन विल बिकम इन अप्लीकेबल. लेकिन ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है. इन अप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न विद द ट्रस्ट इफ दे प्रूव दैट ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट देयर नॉलेज और दे हैड बी एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस टू द प्रिवेंट कमीशन ऑफ सच ऑफेंस. मतलब क्या, ये भी पॉइंट ऐड जरूर करना कि उसके बिना विदाउट नॉलेज ऑफेंस हुआ है या उसने पूरी कोशिश की, यानी यहाँ ड्यू डिलीजेंस. ओके, तो यहाँ पे उसने पूरी कोशिश की कि यह ऑफेंस ना हो, तभी हो गया, तो फिर वो बच सकता है बेटा यहाँ पे. ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए तो ये इसमें कितने पॉइंट्स आपके आने चाहिए, मैनेजिंग ट्रस्टी वाला, ओके अदर पर्सन ऑल्सो गिल्टी ऑफ ऑफेंस वाला, और वो अपने आप को कब बचा सकता है. तो ये तीनों पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए. ये समराइज करके देखना घर पे. नाउ 11 क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का. चलिए, डिपार्टमेंट इनिशिएटेड प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन हु हैड इवेडेड जीएसटी ऑफ 4.2 crores. अंडरलाइन, he has approached the commissioner with a request for compounding of offense. After considering the request, commissioner has directed him to pay an amount 2.5 crores as a compounding amount. Indicate the minimum and maximum limit of compounding amount. Very important. ये भी learn करके जाना, मैं आपको बताऊंगा ये point. अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो. Is the amount fixed by the commissioner in the case within the limit prescribed under the law? What is the consequences of decision of commissioner allowing the request of compounding of offense? पहले compounding of offense का simple meaning समझ लो. वो ये है कि आपको अपनी अरेस्ट रोकना है. ओके, आपको नहीं जेल में नहीं जाना. भाई आपने पेनल्टी दे दी, आपने फाइन दे दिया,
पर आपको अपने आप को बचाना है, जेल में नहीं जाना है, तो फिर आपको वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं, आपको जेल पे जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि जेल में अगर आप गए तो इज्जत खराब हो जाएगी, स्टेटस खराब हो जाएगा। ओके, तो आपको जेल नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तिहाड़ जेल में नहीं जाना है। ओके, वहाँ रहना नहीं है आपको। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा कंपाउंडिंग ऑफेंस हो सकता है। ओके, तो इसके लिए आप जो है पहले सेक्शन साइड में लिख लो। 138 का रेफरेंस लिया है, हमें क्या क्या पढ़ना है। 138 एक ही सेक्शन है, चलो अगर 138 का सेक्शन निकालो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, यानी अपने आप को जेल में जाने से आप बचा सकते हो। उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 सबसे एंड में है, और इसमें ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप ध्यान से पढ़ो और ये डिस्कशन के बाद अगर पढ़ोगे तो और आपका ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट पढ़िए, दो मिनट, मैक्सिमम लिमिट क्या थी आप सभी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में मैक्सिमम लिमिट दिया है। ओके, कि यस चंदन सही हो आप, भारती आप सही हो, ये बात है ना, ये आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़रूरी है क्या। ओके, बस आप तो सब शॉर्टकट चाहते हो, सुनते हो कि सब हमें दे दो, अरे कुछ आप भी इन्वॉल्व हो। ओके, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। सो चलो दोस्तों बेटा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम तो आपको कंपाउंडिंग फाइन, यानी आपको अरेस्ट ही करना है। ओके, और आप यहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंस में कवर होते हो, कंपाउंडेबल ऑफेंस में कवर होते हो, तो 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000, ओके, विच एवर इज हायर, ये मिनिमम रहेगी। और मैक्सिमम क्या रहेगी, तो 150% ऑफ टैक्स डिवाइडेड और 30,000, ये भी लर्न करके जाना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट मिनिमम लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज, ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन उन्होंने का दिया है, टू मिनिमम जो है 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000, तो आपका टैक्स इन्वॉल्व कितना है, हाँ, तो मिनिमम ये आपका आया 2.10 और मैक्सिमम 6.3 करोड़, मतलब आप कमिश्नर ने 2.5 सीआर लगाया है तो वो विद इन लिमिट लगाया। ओके, उसने और यहाँ देखो ये लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ द टैक्सेबल पर्सन पेज द कंपाउंडिंग अमाउंट डिसाइडेड बाय कमिश्नर, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अंडर जीएसटी लॉ अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन इंस्पेक्ट ऑफ द सेड ऑफेंस एंड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज ऑलरेडी इनिशिएटेड इंस्पेक्ट ऑफ सेड शैल बी स्टैंड अबेटेड। हाँ, अगर ये कंपाउंडिंग ऑफेंस वो देता है तो बाकी, ओके, डिसाइडेड बाय कमिश्नर, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अंडर जीएसटी लॉ अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, ओके, अगर स्टार्ट होगी होगी, मतलब क्रिमिनल ने उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल गया होगा तो वो रुक जाएगी अगर वो कंपाउंडिंग करके यहाँ पे अमाउंट दे देता है, और जो अमाउंट अभी मैंने कहा, ओके, वो अगर पे करेगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट हो गई होगी तो वो अबेटेड, मतलब वो रोक दी जाएगी। तो ये हमने कंसेप्ट देखा बेटा यहाँ पे। ओके, मैंने थोड़ा आज ये डिस्कशन स्लो लिया। ओके, दो रीज़न है, मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, और दूसरा आज मैं भी ठीक नहीं हूँ तो ये मैंने यहाँ पे स्लो लिया है। चलिए मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चंस इन्होंने दिए, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस इन्होंने यहाँ कवर किए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छे से अगर ध्यान दो के फिर से एक बार रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी और ये समरी पॉइंट्स जो है, ओके, यहाँ पे निकाला जाएगा। दूसरा बेटा, मैं यहाँ एक बात आपको और कह दूँ कि हाँ, एक क्वेश्चन है के का, चलो आपके क्वेश्चन कुछ हो गए तो मैं ले लेता हूँ। के का क्वेश्चन है, सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब अरेस्ट और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है ना, छः महीने की सजा, 5 साल की सजा। एक होती है सिविल प्रोसीडिंग और एक होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग मतलब जो है आपको यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा रही है, वो कहा जाता है सिविल प्रोसीडिंग। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट हो रहा है। थैंक यू अनुज। ओके, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं बेटा, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ अपना फीडबैक जरूर दे कि किस तरह से ये डिस्कशन आपको लगा।
और आप लाइक भी कर सकते हो, वो मेरे लिए नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइक की, क्योंकि 15 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मेरा कीन इंटरेस्ट है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ये आपके इसको देख के लाइक को देख के देख सके कि कितना वर्थफुल है ये डिस्कशन, उसके लिए बिल्कुल बेटा आपके कमेंट्स भी दे और लाइक भी कीजिएगा। ओके, सो अभी आज यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे अपील, बहुत अच्छा डिस्कशन है, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं आपका ध्यान लाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पढ़ के जाने चाहिए अपील चैप्टर में, वो भी आपको हेल्प करेगा। उसमें भी 10-11 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और एडवांस रूलिंग वगैरह, तो प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में 1-1.5 घंटे का ले लूँगा और उसमें ख़त्म ही कर दूंगा। और लास्ट का जो टॉपिक है कि एडवांस क्वेश्चन सभी GST पे, बेटा तो यहाँ पे वो हम हमारा डिस्कशन कैसे जारी रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी नेक्स्ट इसमें अपील, एडवांस रूलिंग और मिसलिनियस, ये तीनों कवर कर लूँगा। हो सकता है सेशन हमारा 1.5 से 2 घंटा हो। नाउ नेक्स्ट मैं आपको ये कहूँगा कि हाँ, जहाँ तक है अभी चार्ट रिवीजन, मैंने डेट आपको 10 या 11 तारीख दी थी, पर बेटा मैं इसको थोड़ा 1-2 दिन बाद चालू करूँगा, तो आज की डेट जो है चार्ट रिवीजन की, आपकी आज की डेट अगर हम ले, आज की 12 तारीख है, तो हम 15 तारीख से, ओके मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, हम 14-15 तारीख से जो भी डेट को हम चालू करेंगे मैं आपको बता दूंगा चार्ट रिवीजन। तब तक मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने कस्टम्स की रिवीजन बाइट्स डाले हुए हैं, तो कस्टम्स की रिवीजन बाइट्स आप डेफिनेटली ओके देखो, वो बहुत हेल्प होगी उसमें। लेक्चर नंबर 11-12 जरूर देखना, पूरा वैल्यूएशन का एक चार्ट बना के दिया है ओके, तो वो आपको हेल्प करेगा। 11-12 या 13 होगा, तो उसके बाद चार्ट रिवीजन की आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा फास्ट स्पीड में देख लेना तो आपको हेल्प हो जाएगा। कस्टम में वैसे भी कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, इसलिए आपको अगर चार्ट रिवीजन पहले करना है तो पुराना चार्ट रिवीजन जो अपलोडेड है वो आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है कस्टम्स के इसमें, तो वो भी चार्ट रिवीजन आप जो है कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन नो डाउट हम हमारा चार्ट रिवीजन GST से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो आप देख सकते हो, कस्टम्स का आप कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन बाइट्स और चार्ट रिवीजन, ठीक है। दूसरा जो अभी कॉमन टॉपिक के ये जो रिवीजन वीडियोस है, कुछ स्टूडेंट डिमांड करे सर वो बूस्टर रिवीजन आप कह रहे थे डाल दो, तो बेटा आज मैं डाल दूंगा, क्योंकि उसके ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेक्चर्स उधर के ऑफिस में थे और यहाँ पे हमें वो रेड जोन में होने के वजह से ऑफिस की परमिशन जो है कल मिली है वहाँ जाने के लिए, तो मैं वो ओरिजिनल लेक्चर्स ला के अपलोड कर दूंगा। इनक्रिप्टेड लेक्चर्स तो ऑलरेडी थे, पर ओरिजिनल लेक्चर्स में ला के अपलोड कर दूंगा, आज मैं कोई भी हालत में वो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा बेटा। बूस्टर रिविजन के लिए आप वी स्मार्ट एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको आप दोपहर तक आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, यानी रिफंड है, अपील है, ये जो आखिरी आखिरी के चैप्टर्स है ये मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, जिसे को किसी को रिवाइज करना हो तो कर सकता है, अदरवाइज हमारी रिवीजन तो चल ही रही है, पर किसी को अगर डिटेल इनसाइट चाहिए बट यहाँ पे रिवीजन में तो वो कर सकता है, अदरवाइज ये आखिरी के चैप्टर मैंने रेगुलर सेशन भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, वो भी आप 1.5 1.6 के इस में आपको आपको ये चैप्टर अच्छे से ही समझना है, तो रेगुलर सेशंस भी डाले हैं, मैं बूस्टर रिवीजन भी डाल दूंगा, तो डेफिनेटली ये चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सबको ये जो है मैंने जो कहा ये सब पॉइंट समझ गए होगे, इसके अलावा आपके कोई दूसरे क्वेश्चंस होगे तो यस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जूम मीटिंग जो है मैं अभी एड्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन ये जूम मीटिंग हम 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो है अभी इमीडिएट नहीं, 10:30 बजे मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आऊँगा, उसका अभी एड्रेस दे देता हूँ आपको लाइव चैट में, अभी मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ और 10:30 बजे हम जूम मीटिंग के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट क्लास कब होगा,
तो नेक्स्ट क्लास बेटा अभी मुझे ठीक लगा तो कल हम 12:30 के टाइम पे शेड्यूल पे ले लेंगे, नहीं तो फिर बेटा जो लिंक लाइव की लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा जिसमें टाइम डाल दूंगा उस टाइम पे नेक्स्ट क्लास होगा। लेकिन अभी तो ऐसा समझ लो कि अगर कल 12:30 बजे हमारा नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा, ये जनरल टाइम है। अगर कुछ चेंज होगा तो वही लिंक देख लेना, आपको वो लिंक में पता चल जाएगा। ठीक है? यस बबीता, आई विल ट्राई ऑल्सो ओके टू रिकॉर्ड द सेशन सेपरेटली इन इंग्लिश। ओके, सो आई विल गिव द डिटेल्स फॉर दैट सेपरेटली। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। अपना पूरा ख्याल रखो और यहाँ पे बेटा जो भी होगा अच्छा ही होगा, आए हम कुछ अच्छा करने। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी तब तक लिंक डाल देता हूँ आपको जूम की।